हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिनव प्रताप सिंह व्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, है ना। सावन का टाइम चल रहा है, यानी सावन के दिन अब की बार 19 साल बाद, नमस्कार जी, 19 साल बाद आया है लगभग 60 दिन का मामला, देख सकते हो आप। बाकी देख सकते हो यहाँ पे महाराणा प्रताप चौक है, अभी उस पर फोकस कर दो तो सारा अंधेरे हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब सभी हैं, पुलिस वाले भी हैं, यानी सेफ्टी के लिए जैसे ही मतलब गाइडलाइंस वगैरह हैं सबकी। यानी सावन का समय है जिसमें क्या कहते हैं ये कावड़ जाने का, कावड़ यात्री का मामला है ये सारा। तो अभी कावड़ जारी हैं, लोग ले लेकर जाते हैं। तो ये अपनी रोड है, यानी एक हाईवे के लिए ही पास है। खैर ये अभी थोड़ा रात का समय रहता है तो इतना वो मामला आ नहीं रहा सही कैमरे में साफ। बाकी वे बंदे जा रहे हैं अभी बैठ के, मतलब अलग अलग देखो सिस्टम है, सरकार की सारी गाइडलाइंस हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब विचार है मैं आपको ये वीडियो कल ही दे दूँ, और इसमें कॉपीराइट आ सकता है, और क्योंकि गाने बज रहे हैं भोले बाबा के, तो ये कि कोई गाने मानला से होते हैं जो कॉपीराइट डाल देते हैं। तो मेरी उनसे प्रार्थना रहेगी प्लीज़ कि अगर कॉपीराइट वगैरह डालने का हो तो थोड़ा मतलब ध्यान रखें। बात ऐसे आप जैसे सकते ऐसे टम्पों में, ट्रकों में, बड़े बड़े ट्रकों में, यानी सिक्स टायर ट्रक, ये तो नॉर्मल बलेरो पिकअप हैं जो जा रहे हैं। वीडियो बनाने जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हो बस इसका भाई। तो जैसे मैं बता रहा था ये हाईवे के लिए भी पास है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम इसका इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, तो सरकार भी तो अपने बजट के हिसाब से पैसा लगाएगी। बाकी मैं पहले थोड़ा उस रोड पे चले जाऊं, आगे देख सकते हो आगे कावड़ियों के ठहरने का बना हुआ है स्टैंड, मतलब काफी है हमारे गाँव से, मतलब 3-4 पॉइंट बने हुए हैं। अभी मैं गया नहीं क्योंकि बरसात भी है साथ के साथ। और मैं आपको आज की तारीख बताऊं, अभी आप देखिए पहले आप इसे टीवी में भी देख सकते हो, मर्जी आपकी आपको कहाँ देखना है कहाँ नहीं, जैसे आपको दिख रहा है। लेकिन इस ट्रक में है सामान, ऐसे ट्रक में ही कावड़िए बैठ बैठ जाते हैं, जो डाक कावड़ आपने सुनी हो, कुछ तूफान कावड़ भी होती है, यानी अलग अलग कावड़ों के नाम है, नॉर्मल कावड़ भी होती है। तो जैसा भी होगा अभिनव प्रताप सिंह लोग के चैनल पर आपको दिखा दिया जाएगा। अभी मेन बात तो जब शुरू होगी 14 तारीख की शाम को या 15 तारीख को भी, उसमें ही रहेगा ज़्यादा रस। तो जिसमें तो ऐसे टाइम में तो भारी वाहन भी चलने बंद हो रखे हैं। वो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, क्योंकि आप जिस पे भी फोन मिलाओगे वो या तो पुलिस पे मिलेंगे या थाना बड़गांव में मिलेंगे, तो अपनी ही उस पे मिलाएं, मैं तो मना ही करूँगा। हाँ कोई बड़गांव से हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो एक अलग बात है। बाकी चलते हैं, अभी थोड़ा आगे तक चलते हैं। मैंने अभी तक थंबनेल के लिए भी फोटो नहीं ली, देखते हैं भोले बाबा पहले कैसा थंबनेल लगाते हैं, फिर मैं वैसा ही थंबनेल छोड़ दूंगा। मतलब इसका टाइटल होगा
जय शिव शंकर, या जय हो भोले बाबा की। हर जगह यानी हर कुछ कुछ मिनटों बाद ही बाइकें, बस कह रहा हूँ वो गाड़ियाँ पुलिस वालों की आ रही जा रही है सेफ्टी के लिए। बाकी पहले थोड़ी देर ढोल की आवाज़ सुनो। बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मुझे इतना ही कहना और बताना था आपको। गिव अवे के लिए अभिनव प्रताप सिंह मुलुक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही है बस जो आपने देखा। धन्यवाद।